हेमंत बाबू से निवेदन करता हूँ, आप मुख्यमंत्री बन गए, थोड़ी सी आसाम की संस्कृति सीख लीजिए आप। और आज इस मंच से मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूँ कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइएगा। अगर समय मिले तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइएगा। मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए। मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में कितने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल बना दिए। तो हेमंत बाबू को आज मैं आमंत्रित करता हूं। आज मैं यहां पे आने के पहले मैं कई आसाम के गुवाहाटी के युवाओं से मिला। आज इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है आसाम के अंदर, है कि नहीं है? जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। एक एक युवा चीख चीख के कह रहा है कि मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को रोजगार चाहिए। हेमंत बाबू के पास टाइम नहीं है उनकी चीख सुनने का। हेमंत बाबू ने पिछले चुनाव के पहले बोला था हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर हुई। सरकार कहती है 25 लाख बेरोजगार हैं आसाम के अंदर, 25 लाख नहीं है, कम से कम 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार है आसाम के अंदर। लेकिन क्या किया इन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए? कुछ नहीं किया इन्होंने। इनसे तो पेपर नहीं होते, पेपर करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं इनके, पेपर लीक इनसे। जिस सरकार से पेपर नहीं होते वो क्या सरकार चलाएंगे? जिनसे पेपर नहीं होते, छोटी सी चीज पेपर नहीं होते, वो क्या सरकार चलाएंगे? दिल्ली में मेरी 8 साल से सरकार है, मान साहब की पिछले 1 साल से सरकार है, दिल्ली में तो पेपर लीक नहीं हुए आज तक एक भी। पेपर लीक क्यों होते हैं? कोई ना कोई अंदर बैठ के मिला हुआ है कि नहीं है? कोई ना कोई अंदर पेपर बेच रहा है। पेपर ऐसे ही थोड़ी लीक हो जाता है कि उड़ के चला गया बाहर। पेपर लीक होता है क्योंकि कोई पेपर बेच रहा है, कोई आपके बच्चों का भविष्य बेच रहा है। आज शिक्षा का बुरा हाल है। अभी अभी मान साहब ने बताया कि इनके परिवार में किसी ने स्कूल बनवाया, अपना प्राइवेट स्कूल। किसने स्कूल बनवाया इन्होंने? इनके परिवार में स्कूल बनवाया है किसी ने, प्राइवेट स्कूल। बताते हैं लाखों रुपए फीस है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी प्राइवेट स्कूल चलाएगी, उस राज्य के अंदर गरीबों को शिक्षा नहीं मिल सकती। उस राज्य के अंदर कभी सरकारी स्कूल ठीक नहीं होंगे। दिल्ली में भी पहले यही होता था, पंजाब में भी पहले यही होता था। जितने नेता थे, नेताओं के स्कूल चलते थे बड़े बड़े, फलाना स्कूल, ढिमका स्कूल, इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, लाखों रुपए की फीस होती थी। जानबूझ के इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए, ताकि हर आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चालू करे, है कि नहीं है? जानबूझ के। और हर साल प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ाते हैं, हर साल प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ाते हैं। हमारी सरकार आई, हमारे किसी एमएलए का स्कूल नहीं चलता, पंजाब में किसी एमएलए का स्कूल नहीं चलता, किसी नेता का स्कूल नहीं चलता। हमने सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए दिल्ली के। मैं आप लोगों को आमंत्रण देना चाहता हूं, आप लोग आइए, जब भी दिल्ली आए आप लोग हमारे सरकारी स्कूल आके देखिएगा। सरकारी स्कूल एक बार दिल्ली के सरकारी स्कूल देखना, कितने शानदार सरकारी स्कूल बन गए। अब दिल्ली के अंदर पिछले साल 12वीं के नतीजे 99.7% नतीजे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के आए।
हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। आसाम में भी हो सकता है, चाबी आपके हाथ में।